प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से ऑसम ग्रेस में आपका स्वागत है। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं कि हां, परमेश्वर हमारी सुबह की प्रार्थनाओं को सामर्थ्य भरता है। परमेश्वर सामर्थ्य भरता है। सुबह की जो प्रार्थनाएं हैं वो हमें शांति देती। क्यों? बहुत जरूरी है कि सुबह की प्रार्थना करें। कैसे वो सामर्थ्य होंगी, कैसे हम प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सुबह होते हैं, एकांत में होते हैं, सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर सुबह के समय एकांत में आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, आपके जीवन में जो है परिवर्तन जो है लाता है। आप सुबह के समय आप अपनी आशीषों को ले सकते हैं। दिनचर्या से बच करके ठंडे पहर में एकांत के समय में जब आप प्रभु के साथ में बैठते हैं, उस समय आपके मन के जो कुविचार हैं उन्हें वो बाहर करता है। आपकी वेदनाओं को परमेश्वर समझता है। सुबह की प्रार्थना क्यों बहुत जरूरी है? क्यों? वो सामर्थ्य है, वह आपको तसल्ली देती है, आपको डेवलप करती है, आपको बनाती है, पूरे दिन के लिए आपको एक अच्छा मटेरियल देती है और आपको बढ़ाती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का दास होने के नाते कि खुदा, मैं अपने अनुभव को बताऊं। जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ, जिस दिन प्रार्थना ना करें उस दिन क्या होता है? उस दिन होता है कि मन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परिस्थितियां बनी रहती है और पूरा दिन टेंशन और डिप्रेशन में जाता है। इससे पहले के हजारों सवाल हमारी जिंदगी में आए, इससे पहले जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, मैं आपको कहना चाहता हूं उसी घड़ी परमेश्वर आपको उन चिंताओं से जो आपके मन में चलते हैं उससे बाहर करता है और अपनी वो अलौकिक शांति जो हमारी समझ से बहुत ही ऊपर है, बहुत ऊपर है, जो समझते हमारे विचारों को, हमारे विचारों को, सबसे पहली बात हमारे विचारों को जिसमें हम रुंझ जाते हैं, जिसमें भर जाते हैं, समस्याओं परिस्थिति में चले जाते हैं, उनसे सुरक्षित करती है, हमारे माइंड को सेट करती है अपनी शांति को जो औरों के पास नहीं है, जो केवल परमेश्वर देता है, उससे आपको भरती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इस अनुभव को वो लोग जानते हैं जो सुबह प्रार्थना करते हैं, जो सुबह के समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी बातें उन्हें कहता है। आप परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सभी का। आप सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें और इसे शेयरिंग कर सकते हैं। क्यों सुबह की प्रार्थना जरूरी है? सुबह की प्रार्थना सामर्थ्य होती है, उसमें ताकत मिलती है। परमेश्वर उस समय भरपूरी के साथ आपके साथ होता है। परमेश्वर का ध्यान केवल आपके पास होता है और आपका ध्यान प्रभु के पास होता है। आपका ध्यान बटता नहीं है एकांत में। वो कोठरी वाली प्रार्थना है कि आप सुबह के समय जब प्रार्थना कर रहे हैं, ब्लेसिंग पा रहे हैं, परमेश्वर के और नजदीक जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं उसी घड़ी परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है। वो ठंडक को लाता है, वो तसल्ली को लाता है, जिससे आपके हृदय में, आपके हृदय में बहुत तसल्ली आती है और शांत हो जाते हैं और आपको पता लगता है, आप कंफर्ट महसूस करते हैं और आपको अंदर से तसल्ली होती है, हाँ अब मैं ठीक हो गया हूं, अब मैं अच्छा हो गया हूं। आपके बेशक आंसू बहते उस समय, आंसू के समय में प्रभु आपके साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह प्रार्थना करते थे, अब्राहम प्रार्थना करता था सुबह उठ के, दाऊद प्रार्थना किया करता था, आज भी बहुत सारे दास प्रार्थना करते हैं। उन्हें पता है कि वो सुबह के समय अपनी लाइफ को प्रभु के सामने सेट कर देते हैं, प्रभु के साथ बात करते हैं, उनका पूरा दिन सेट हो जाता है। फिर उन्हें दिन में कोई चिंता नहीं होती, दिन में कोई चिंता नहीं सताती, क्योंकि वो एक बाड़ा सुबह के समय बांध देते हैं अपने चारों तरफ। इसलिए बांध देते हैं कि उस लहू को पार करके शैतान की कोई योजना, शैतान की कोई ताकत उनकी जिंदगी में ना आए, कोई परवाह उन्हें न रहे, कोई चिंता उनकी जिंदगी में न रहे, खाने की चिंता न रहे, पीने की चिंता न रहे, परंतु प्रभु की वो सामर्थ्य जो सुबह के समय उन्हें मिलती है, जो आदम के साथ रहा करती थी, जो अब्राहम के साथ रहा करती थी, जो दाऊद के साथ रहा करती थी, जो प्रभु के अच्छे अगुओं के साथ रही थी, उनके साथ हो जाती है और प्रभु कंफर्ट देता है कि बेटा अब मैं तेरे साथ हूं। पूरा दिन आप कहीं भी क्यों ना रहे, परमेश्वर की सुबह की प्रार्थना आपको सामर्थ्य बनाती है। क्यों सामर्थ्य है उसमें? क्योंकि पूरी पावर के साथ। अब मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं, एक उदाहरण बताना, छोटा सा उदाहरण। मैं देखता हूं जिस गाड़ी से मैं आता हूं वो सीएनजी से चलती है, और अगर वो दोपहर को भरवाता वहां प्रेशर कम होता है क्योंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है, परंतु जब वो सुबह सुबह जाता है वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और उस समय ज्यादा वो कलेक्ट कर पाता है, ज्यादा ज्यादा सीएनजी को ले पाता है, ज्यादा सीएनजी को भर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम ऐसे एकांत समय में, जब कोई प्रार्थना में नहीं है, जब कोई ऐसे, जब लोग सो रहे हैं, जब विपरीत दिशाओं में है, विपरीत परिस्थितियों में, उस समय में जब आप प्रभु के पास हैं, परमेश्वर की उस एनर्जी को आप अपने जीवन में ले रहे हैं,
और ज्यादा समेट रहे हैं और परमेश्वर शांति को समेट रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं ये सुबह की प्रार्थना आपको और आशीषित करेगी और सामर्थी हो जाएगी, इसलिए सामर्थी कि आप ज्यादा पावर को पाते हैं, आप परमेश्वर अपने रिश्ते को बना रहे हैं। मैं आपको एक 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 काम देना चाहता हूं, आप सुबह की प्रार्थना एक हफ्ता करके देखिए, एक वीक करके देखिए, ये पहले ही दिन में आपको पता लगेगा कि आज मेरे मन में शांति है, पहले दिन में आपको पता लगेगा आज मैं हल्का हो गया। प्रभु का उस समय का प्रार्थना आपको हल्का करता है, आपकी फीलिंग को चेंज करता है, आपके मन को जो बोझ है उसे उठा देता है, इसलिए वो सामर्थ्य है। आपके मन के डिप्रेशन को दूर कर देता है, इसलिए वो सामर्थ्य है। आपको निश्चितता दिला देता है, इसलिए वो सामर्थ्य है। सुबह की प्रार्थना मैं करता हूं, आप भी करिए, आप करिए और उसके बाद अपने कमेंट्स दीजिए कि आपकी सुबह की प्रार्थना के साथ क्या हुआ, सुबह की प्रार्थना आपकी सामर्थ्य रही या नहीं रही। दाऊद कहता है मैं भोर को उठ करके प्रभु की आवाज को सुनता हूं, भोर को उसकी वाणी तुम्हें सुनाई दे, आपकी वाणी प्रभु को सुनाई दे। एक रिलेशनशिप डेवलप होती है सुबह के समय, जो आप शाम को नहीं कर सकते, जो आप दोपहर को नहीं कर सकते, जो आप और किसी समय नहीं कर सकते। परंतु मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, सुबह की प्रार्थना है आपको सामर्थ्य बनाएगी, आपके हथियार तैयार होंगे, आपकी आपके आत्मिकता बढ़ेगी, प्रभु की शक्ति में आप बलवंत होंगे, प्रभु की महिमा में आप बलवंत होंगे। और जितने लोग इस अनुभव को जानना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि कल सुबह से लेकर 5:30 बजे उठिए और उठ करके दुआ करिए और फिर अपने कमेंट्स को दीजिए कि पास्टर ऐसा रहा वैसा रहा, तब आप बता पाएंगे कि आपको कैसा फील हुआ। मैं इस बात का दिलासा दिलाता हूँ, इस बात की दिलासा विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपने जीवन का जो बोझ है उसे उठा हुआ महसूस करेंगे। लोग डिप्रेशन में दिखेंगे, आप डिप्रेशन में नहीं होंगे। लोग चलते फिरते परेशान रहेंगे, बीमार दिखेंगे, लोग बिजी रहेंगे, परंतु आप काम ज्यादा होने के बाद भी रिलैक्स महसूस करेंगे। आपके चेहरे पर उदासी नहीं होगी क्योंकि आप खुदा के सामने बैठे थे, उसका चेहरा आपकी तरफ जब था, आप उसके चेहरे से रोशनी लेके आए हैं, आप उसके चेहरे का नूर लेके आए हैं, आप उसके चेहरे से चमक लेके आए, उससे बात करके उसका कंफर्ट लेके आए, उससे बात की है आपने सुबह कि प्रभु मैं जा रहा हूं मुझे संभाल, वो संभालने के लिए आपके साथ रहता है। आप उसे सुबह सुबह कहते हैं प्रभु मेरी परिस्थितियां सारी आप उसे सुबह दे देते हैं और वो परिस्थितियां आपका पीछा नहीं करती, सारा बोझ आप उसे दे के आते हैं, आप हल्का हो जाते हैं, वो बोझ आपके साथ नहीं रहता फिर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए दुआ करूंगा इस समय, अपने हाथ को बढ़ाइए। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ खुदा आज इस समय परमेश्वर पिता, जितने तुझे भोर कोट करके पुकारते हैं, जितने तुझे यतन से ढूंढते हैं प्रभु, तेरे वचन में लिखा जितने तुझे यतन से ढूंढते हैं मैं उनके करीब रहता हूँ, उनके निकट रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते प्रभु तो सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, आप मेरे भाइयों के जीवन में आए, आप मेरी बहनों के जीवन में आए, इनकी सुबह की प्रार्थना को और मजबूत बनाए, सुबह की प्रार्थना और पावरफुल हो जाए खुदा, खुदा बाप इनके सामर्थ्य परमेश्वर इनके जीवन में से बहने पाए यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा इनके जीवन बहे, इनके इनकी बातों में से जीवन बहे, इनके कामों में से जीवन बहे, इनके जीवन में आग आ जाए, तेरी पवित्र आत्मा क्या तेरे सामर्थ्य बहे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ ये बिल्कुल चंगे रहे प्रभु, और आज जब ये घर से बाहर निकले पिता प्रभु इनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। हालेलुया, इन्हें विश्वास हो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, इन्हें विश्वास हो कि मेरे प्रभु ने मेरा हाथ थामा है, इन्हें विश्वास हो पवित्र आत्मा मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है, इन्हें विश्वास हो कि परमेश्वर मेरे आगे चल रहा है, पवित्र आत्मा मेरे आगे मार्ग बना रहा है। प्रभु इनकी भोर की प्रार्थना को और मजबूत करें और वो सामर्थ्य प्रार्थना होगी पिता, उनके जीवन बदलता चला जाएगा, ये अपनी आंखों से देखेंगे। तूने कहा धर्मी अपनी आंखों से देखेगा अपने उद्धार को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमेन। सचमुच में आप अपने उद्धार को देखेंगे, आप अपने परमेश्वर को देख पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, कल फिर से मिलेंगे, कल एक फिर छोटा सा आपको एक और छोटी सी बात को जो परमेश्वर की ओर से मिलेगी उसे आपको देंगे। जय मसीह की। आप सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयरिंग जरूर करिएगा, कमेंट्स डाल लिए। आप जब कल प्रार्थना करेंगे, सुबह प्रार्थना करेंगे, जरूर बताएं कल के आपका सुबह की प्रार्थना का क्या अनुभव रहा। मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।